नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। सीएम योगी ने प्रदेश में यमुना और बेतवा नदी के प्रभाव क्षेत्र के यूपी में बाढ़ के मद्देनजर अलर्ट रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के कोटा बैराज और धौलपुर में पानी छोड़े जाने की वजह से यूपी में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए गाँव और शहरों के लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित इंतजाम कर लिए जाने चाहिए और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पीएसी के साथ आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे के लिए एक्टिव मोड पर रख दी गई हैं। यूपी में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना और बेतवा से जुड़े जिलों के लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। सीएम योगी ने बाढ़ की आपदा को देखते हुए यूपी के कई जिलों में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी से आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, सीएम योगी ने यमुना और बेतवा नदी के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर और क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है वहाँ पर? आपको बता दें, यूपी में बाढ़ के मद्देनज़र अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला अधिकारी से मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान के कोटा बैराज और धौलपुर में पानी छोड़े जाने की वजह से यूपी में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए शहर के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी बोला गया है। व्यवस्थित इंतजाम के लिए भी दिशा निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। सुरक्षा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ व पीएसी की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि कई जिलों में इस समय पानी का जलस्तर बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से कटान की समस्या भी देखने को मिल रही है। कई जिलों में किसानों को इससे काफ़ी हानि भी हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है, जिसपे सीएम योगी ने फसलों के नुकसान का भुगतान करने की भी जानकारी दी है। यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वाराणसी से संवाददाता आफ्ताब आलम। आफ्ताब, योगी सरकार ने यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या जानकारी है आपके पास और सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए इस पर? बारिश होने के कारण वाराणसी में भी एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर के निचले इलाकों के लोगों की धड़कने जो है वो तेज हो गई है। हालांकि बीते सोमवार को गंगा का जलस्तर था, लेकिन इधर फिर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का पानी बढ़ रहा है। बता दें कि वाराणसी में गंगा का अपना रौद्र रूप, गंगा माँ गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है। साफ तौर पर उनका रौद्र रूप देखा जा रहा है। बीते सोमवार से समान होने लगी थी गंगा का जलस्तर, लेकिन इधर भी फिर वापस बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश के अनुसार गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सुबह 8 बजे तक 70.2 मीटर था। बता दें कि गंगा चेतावनी बिंदु जो है वो 70.262 मीटर है। वहीं जल आयोग के अनुसार चारों तरफ हो रही बरसात की वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। आफ्ताब, बढ़ते नदी के जलस्तर को देखते हुए सीएम योगी ने क्या सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं वहाँ के जिलाधिकारी को? जी, जिलाधिकारी लगातार सुरक्षा की दृष्टि से नजर रख रहे हैं, ऊपर नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम है, उसको भी कहा गया है, वो भी नजर बनाए हुए हैं। और जिलाधिकारी के महोदय की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी हुआ है, जिसको लेकर के लोगों को बताया गया कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। उनको पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, सारी सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाने का पूरा दिशा निर्देश देकर रखा है सीएम योगी ने। आफ्ताब, शहर और गांव को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जिस शहरों में जहां अभी आपको बता दें के पास में है, जी जो तटवर्ती इलाका है, जो क्षेत्र है, उसको लेकर के सुरक्षित जगह पर लोग खुद से भी जा रहे हैं, कुछ लोग अपने छतों पर चले गए हैं। आफ्ताब, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पीएसी टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया, 24 घंटे के अलर्ट मोड पर उनको रखा गया है। संपर्क शायद टूट गया है आफ्ताब से हमारा। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेश में यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रभाव क्षेत्र में यूपी के बाढ़ के मद्देनज़र जारी किए हैं सख्त दिशा निर्देश। तो ये थे हमारे संवाददाता वाराणसी से आफ्ताब। उन्होंने जैसे जानकारी दी कि सीएम योगी ने और वहाँ के जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं कि किन परिस्थितियों में वो कैसे सुरक्षा व्यवस्था और गाँव और शहरों में बाढ़ से होने वाले प्रभावित क्षेत्रों को कैसे बचाया जा सकता है, और 24 घंटे उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पीएसी की टीम को अलर्ट मोड में रखा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खबरों बस इतना ही।
देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस